सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ ललित और ललित एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सैलिड कटिंग मशीन। तो चलिए ना कोई देर करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस हमें सैलिड कटिंग मशीन बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने लकड़ी का एक फट्टा ले लिया है, ये देखिए। और गाइस हमने पीवीसी पाइप की कट कर लिया है और ये गाइस इसका मिड पॉइंट है। तो उधर से इसकी दूरी 77 सेंटीमीटर है चारों तरफ, तो देख सकते हो। तो ये हमने शीट कट कर ली है। तो इधर से बीच में से इसे हीट दे गए, इसे यहाँ से बेंड करेंगे। तो इसे बेंड करते हैं और इसके ऊपर से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो कुछ ऐसे यहाँ से इसका बॉर्डर बनेगा। तो ये हमने 1 इंच की इसकी चौड़ाई है, तो इसे लगाएंगे हम। तो पहले इसे भी बेंड करके इधर सेट करेंगे, चिपका देंगे इसे। तो करते हैं इसको भी सेट। ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो सीट थी हमने नीचे से बेंड कर दी है, ये देख सकते हो इधर से। तो इसका ये जो है मिड पॉइंट है इसका, तो इधर मोटर लगेगी। और इसके ऊपर से बॉर्डर बनाने के लिए इसको भी हमने बेंड कर दिया है। तो इनको ऐसे चिपकाएंगे इधर कुछ, तो इन सभी को चिपकाएंगे। और थोड़ा सा इधर कम पड़ेगा तो इधर के लिए भी हमने बना दिया है, तो कुछ ऐसे चिपकाएंगे। तो चलिए चिपकाते हैं फेविक्विक से। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा बॉर्डर है वो हमने अच्छी तरह से लगा दिया है, ये देख सकते हो। अब दोस्तों इसके जो मिड में है हम इधर एक होल करेंगे मोटर लगाने के लिए। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम यूज करने वाले हैं ये वाली मोटर। तो ये जो मोटर देख रहे हो आप, ये 775 डीसी मोटर है। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पर वर्क करती है, तो इसी को लगाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ब्लेड बनाने के लिए हमने जो पीवीसी पाइप की सीट होती है उसमें से ये कट कर लिया है और बीच में एक होल कर दिया है, तो इसमें लगाएंगे हम ब्लेड। तो दोस्तों जो हमारा कटर होता है उसी के ब्लेड इसमें यूज करेंगे। तो ये रहे हमारे पास ब्लेड, तो इन दो ब्लेड का यूज करेंगे हम। तो ये देख सकते हो, तो ये देखिए हमने दो ब्लेड ले लिए हैं, तो इनका यूज करेंगे। तो लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है हमारा मशीन का, तो इस पर पेंट करेंगे। तो चलिए इस पर पेंट करते हैं पहले। तो ये हमने सिल्वर पेंट ले लिया है, तो इस सिल्वर पेंट को करेंगे इस पर। तो दोस्तों हमने पेंट कर दिया है, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। अब दोस्तों इसमें ब्लेड लगाते हैं। तो ये रहे हमारे दोनों ब्लेड, तो इन दोनों को चिपकाएंगे फेविक्विक से। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारे ब्लेड हैं वो चिपका दिए हैं। और इसे मजबूती देने के लिए इसमें एमसील भी लगा देंगे, तो इधर वाली साइड से लगाएंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमने जो एमसील है वो अच्छी तरह से लगा दिया और जो हमारे ब्लेड है वो अच्छी तरह से लगा दिए हैं, ये देख सकते हो। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये जो हमने पार्ट तैयार किया है मशीन का, इसमें हमने होल कर दिया है अपनी मोटर के हिसाब से। तो इसमें पीछे से लगाएंगे इस मोटर को, तो इधर लगाएंगे, तो इसके हिसाब से ही होल किया है हमने इधर, ये देख सकते हो। और इधर इसके स्क्रू लग जाएंगे, तो मोटर अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी इधर, तो देख सकते हो। तो अब करेंगे इसमें हम यहाँ पे एक होल करेंगे, जो भी हम इसमें से काटेंगे उसको हम इधर की साइड से ही डालेंगे। तो एक सर्कल कट करते हैं इसमें से। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक कैप ले लिया है, तो इस कैप के बराबर हम एक यहाँ पे सर्कल कट करेंगे। तो करते हैं। तो दोस्तों इधर से हम इस सर्कल को जल्दी से कट करते हैं। ये जो मोटर है दोस्तों, इसमें हम आगे लगाने वाले हैं जो हमारी साइकिल के ट्यूब की बाल बॉडी होती है, उसे लगाएंगे इधर। तो लगा देते हैं इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी बाल बॉडी होती है वो हमने इसमें लगा दिया, तो आगे से हमने थोड़ी सी कट कर दिया। तो इधर ये नट बोल्ट का इधर वो बन गया, तो ये हमने लगा दिया, तो ये आसानी से इसमें सेट आ जाता है, बिल्कुल इसी साइज का है ये। तो इसमें अब लगाएंगे हम ब्लेड, तो पहले ब्लेड बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें से हमने एक सर्कल कट कर दिया है, ये देख सकते हो। तो दोस्तों जो हमने सर्कल कट किया है उधर हम ये चीज़ लगाएंगे। तो ये हमने पीवीसी पाइप कट कर लिया है, तो इसे कुछ इधर ऐसे चिपकाएंगे। तो इसे चिपकाते हैं
फेविक्विक से चिपका देंगे इसे। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा पाइप है वो हमने चिपका दिया है और नीचे से हमने एम सील भी लगा दिया मजबूती के लिए। तो दोस्तों अब इस पर करेंगे पेंट, तो चलिए पेंट करते हैं इस पर। तो दोस्तों ये हमने सिल्वर पेंट ले लिया है, तो इस पर सिल्वर पेंट करेंगे। हमने इस पर पेंट कर दिया, अब थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा पेंट है वो सूख चुका है, देख सकते हो। तो अब जो हमारी ये मशीन है इतनी, इसको फिक्स करेंगे हम उस लकड़ी के फट्टे में। तो चलिए फिक्स करते हैं इसको। तो दोस्तों ये रहा हमारा लकड़ी का फट्टा, तो इसी पर सेट करते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें स्क्रू लगा दिए हैं, तो ये अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है, ये देख सकते हो। तो ये देखिए, अब दोस्तों इसमें लगाएंगे मोटर, तो चलिए मोटर लगाते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी मोटर, तो इसको फिक्स करते हैं इसमें। तो कुछ ऐसे फिक्स करेंगे, तो इसमें लगाएंगे स्क्रू। तो इसे लगाने के लिए हमने ये दो स्क्रू ले लिए हैं छोटे छोटे। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी मोटर है वो हमने अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। तो अब दोस्तों हम जो मोटर है उसके कनेक्शन करेंगे, तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। और दोस्तों हम अपनी मशीन में लगाने वाले हैं ये स्पीड कंट्रोलर, तो ये वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो इसके कनेक्शन काफ़ी आसान है। तो इनमें लगेंगे वायर, तो इधर लिखा हुआ है एम माइनस में हमारा मोटर का नेगेटिव लगेगा, एम प्लस में लगेगा मोटर का पॉजिटिव। तो इधर जो बी पॉजिटिव है, इधर बैटरी का पॉजिटिव लगेगा, उधर नेगेटिव लगेगा। तो इसे हम 4.5 वोल्टेज से 35 वोल्टेज तक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको लगाने वाले हैं स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए मोटर की। तो दोस्तों मोटर में लगाने के लिए वायर ले लिया हमने, तो मोटर में वायर लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ब्लेड है उसको अब अपनी मशीन में सेट करेंगे, तो इसे सेट करते हैं इसमें। तो जो उसका नट है उसे खोलेंगे, तो कुछ ऐसे होगा ये फिक्स, और ये जो ब्लेड है वो ऐसे चलेगा कुछ इसमें। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमने ये टाइट कर दिया अच्छी तरह से, तो ये देख सकते हो ब्लेड हमारा कुछ ऐसे घूमेगा इसमें, ये देखिए, ये देख सकते हो। तो जो हमारा ब्लेड है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ये देख सकते हो दोस्तों। अब जो हमारा स्पीड कंट्रोलर है उसके कनेक्शन करेंगे इसमें। दोस्तों जो हमारी सेलिड कटर मशीन है वो तैयार हो चुकी है बनकर, तो देख सकते हो। तो इसके जो कनेक्शन है वो हमने सभी कर दिए हैं, और ये जो वायर है ये हमारी बैटरी में लगेंगे, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट में लगेंगे। तो इन वायरों को हम लगाएंगे बैटरी में। तो दोस्तों अब करेंगे हम अपनी सैलेड कटिंग मशीन की टेस्टिंग, तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, तो इन सभी को कट कर देखेंगे। तो दोस्तों इसके आगे इस प्लेट को लगा देंगे, तो अब करेंगे इसको चालू।
तो दोस्तों ये देख सकते हो कितनी सारी सैलेड कट कर दी है हमारी। तो जो हमारी मशीन है वो एकदम बढ़िया तरह से काम कर रही है, देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है जो हमारी सैलेड कटिंग मशीन है। तो दोस्तों अब इस मूली को काट कर देखेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो जो हमारी मूली है वो भी अच्छी तरह से कट रही है। अब दोस्तों हम इसे चेक करेंगे जो हमारा हरा साग होता है वो इससे कट हुआ या नहीं। तो ये हमारे मूली के पत्ते हैं, तो इनको कट कर कर देखेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कि इससे हमारा हरा साग कट जाएगा या नहीं। तो काट कर देखते हैं इसे। आई होप दोस्तों जो हमने सैलेड कटिंग मशीन बनाई है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।